करबला जाएंगे बेखौफो खतर जाएंगे, बेशक जो बोलते नहीं बेकार लगने लगते हैं। सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद रखें। इसमें दो फायदे मैं बहुत तेजी के साथ बता दूं। पहला फायदा कि आप 90 नेकियों के हकदार हो जाएंगे, और दूसरा फायदा ये कि पढ़ने वाले की हौसला अफजाई हो जाएगी। उसको इस बात का एहसास होगा कि हमारी बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो मोहब्बत के साथ में कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ में कहें या रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह, एक मर्तबा कह दें या हुसैन हुसैन। ये जिक्र ऐसा जिक्र है कि महफिल होती है गौसे आजम की तो जिक्र होता है करबला वालों का, महफिल होती है वारिसे पाक की तो जिक्र होता है करबला वालों का, महफिल होती है ख्वाजे गरीब नवाज की तो जिक्र होता है करबला वालों का। और क्यों ना हो, जिस हुसैन ने हमारे खातिर मैदान करबला में अपना सर दे दिया, जिस हुसैन ने हमारे खातिर एक एक को राह दीन पर कुर्बान कर दिया, आज अगर वाकई इमाम हुसैन ना होते तो हमारे होठों पे जमी हुई पुपड़ियों को गुलाब की पंखुड़ियों में कौन बदलता, आज अगर वाकई इमाम हुसैन ना होते तो हमारी आंखों में मोहब्बत रसूल का सुरमा कौन लगाता। जहाँ जिक्र इमाम हुसैन होता है वहाँ पत्थर भी पिघल कर मोम हो जाया करता है, जहाँ जिक्र इमाम हुसैन होता है वहाँ के कांटे भी गुलाब की आंखों में आंखें डालकर बात किया करते हैं, जहाँ जिक्र इमाम हुसैन होता है वहाँ गूंगे भी सुभान अल्लाह बोलने लगते हैं। अल्लाह ने आपको आवाज दी है, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, अपने हाथों को उठाएं, जितनी आपके सीने के अंदर ताकत है पूरी ताकत के साथ में दोनों हाथ को उठाएं और कह दें या हुसैन माशाल्लाह। अमा जहाँ नबी की महफिल सजी हो और जहाँ नबी की बात हो वहाँ पर नवासे की बात ना हो, ऐसा कहीं हो सकता है? नहीं ना। जरा मोहब्बत के साथ में, और मोहब्बत के साथ में कहें या हुसैन कि करबला जाएंगे बेखौफो खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे। अगर लोग कहेंगे कि वहाँ पर जाएंगे तो फायरिंग हो जाएगी, अगर लोग ये कहेंगे वहाँ पर जाएंगे तो वापस सही नहीं आएंगे, अगर लोग ये कहेंगे वहाँ पर हालात सही नहीं है, बमबारी वहाँ पर होती हो, वहाँ पर हालात इस तरह के हैं हर 100 मीटर पर चेकिंग हो जाएगी, वहाँ पर हालात इस तरह के हैं बसरा का सफर मुश्किल हो जाएगा। मैं आपकी याद भी ताज़ा कर रहा हूँ और जुमले भी पेश करने लगा हूँ। बगदाद का सफर आपको कराना चाहता हूँ, मौला का दयार आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता कि करबला जाएंगे बेखौफो खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, और नारे हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे। नारे हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे हैं, कुछ तो ऐसे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे। ये कोई और नहीं नस्ले अबू तालिब है, जंग में आए हैं तो जीत के घर जाएंगे। ये कोई और नहीं अबू तालिब है, जंग में आए हैं तो जीत के घर जाएंगे। अली वालों का तो मिजाज हजरत ये होता है, वो जहाँ पर बैठते हैं ना वो इलाका अपना बना लेते हैं। वो किसी ने कहा ना कि अली वाले जहाँ बैठे वही जन्नत बना बैठे। आखिरी मिसरा पढ़ता हूँ और बहुत तेजी के साथ अल्लामा साहब को आपकी सिमातों के हवाले कर रहा हूँ कि फौलाद सा दिल पत्थर सा जिगर सब पारा पारा होता है, फौलाद सा दिल पत्थर सा जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। और हाँ, ये जुबा काट दो जिसमें जा काट दो, मिदहते मुर्तजा की सजा दो मुझे, जिक्र शाह नजब से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे, टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे, जालिमो जब मेरे जिस्म की खाक बन जाए ना फिर जालिमो हवा में उड़ा दो मुझे, एक दो दिन नहीं सुबह महशर तलक, एक दो दिन नहीं सुबह महशर तलक, हाँ ये मुबीन इस्माइली का वादा रहा, एक दो दिन नहीं सुबह महशर तलक, जिस तरफ जिस जगह ये हवा जाएगी या अली की सदा आएगी, जिस तरफ जिस जगह ये हवा जाएगी या अली की सदा आएगी। और हाँ, हम हैं मौलाई अकीदे को छिपा
पा सकते नहीं। सर की खातिर हजरत आकिबत अपनी गवा सकते नहीं। कत्ल कर दो घर जला दो फिर भी ये मंजूर है या अली कहने से फिर भी बाज आ सकते नहीं। कत्ल कर दो घर जला दो फिर भी ये मंजूर है या अली कहने से फिर भी बाज आ सकते नहीं। अली के जिक्र की सजा जहाँ भी गोली हो अली का जिक्र वहाँ पर करो तो बात बने। कजा तो वैसे भी आनी है मर तो जाना है अली का नाम जो लेकर मरो तो बात बने। कजा तो वैसे भी आनी है मर तो जाना है अली का नाम जो लेकर मरो तो बात बने। जिस अली ने बनाया अली को अली। बस बस आखिरी आखिरी शेर पढ़ता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ कि जिस अली ने बनाया अली को अली वो अली जानता है मकामे अली। जिस अली ने बनाया अली को अली वो अली जानता है मकामे अली। आइए बस बहुत तेजी के साथ मैं फिर माजरा चाहता हूँ कि मैंने वक्त ज्यादा ले लिया। बहुत तेजी के साथ आपकी सिमातों के हवाले हजरत तड़प पर कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और मोहब्बतों के साथ कहिए या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। आप अव्वल भी हैं आप हैं आखिरी आप अव्वल भी हैं आप हैं आखिरी आपके वास्ते लौटी है मौत भी आपके वास्ते लौटी है मौत भी। आप अव्वल भी हैं आप हैं आखिरी आपके वास्ते लौटी है मौत भी आपके वास्ते लौटी है मौत भी। सबसे आला वो आला हमारा नबी सबसे आला वो आला हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सरकार की आमद आका की आमद ताहा की आमद शायरे हिंदुस्तान आकिब रजा ताबिश भाई जिंदाबाद। आप भी हैं आप हैं आखिरी आपके वास्ते लौटी है मौत भी आपके वास्ते लौटी है मौत भी। आप अव्वल भी हैं आप हैं आखिरी आपके वास्ते लौटी है मौत भी। और ये शेर भी बतौर खास मुराजा करने तलब कर एक बार कहते हैं या रसूल अल्लाह और मोहब्बतों के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनके सदके में पलती है ये कायनात बेशक जिनके सदके में पलती है ये कायनात खुल्द में जाएंगे हम सभी उनके साथ खुल्द में जाएंगे हम सभी उनके साथ। जिनके तलवो का धोबन है आबे हयात जिनके तलवो का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा वाला हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना।